दोस्तों, क्या आप अपनी ऑडियो फाइल को यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों क्या आप अपनी MP3 फाइल को यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं? अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक फिट लाइफ। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑडियो फाइल्स को यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए या फिर दोस्तों MP3 फाइल्स को यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो PC है इसे आपको ओपन कर लेना होगा। अगर दोस्तों आप एक लैपटॉप यूजर हैं तो आप अपना जो लैपटॉप है उसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए। और दोस्तों, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप google.com को ओपन करके यहाँ पे आप सर्च बार में टाइप कीजिए वीड। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे वीड टाइप कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसे सर्च कर लीजिए। और दोस्तों, सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अपलोड योर वीडियो वाले ऑप्शन पे। और उसके बाद जैसे दोस्तों आप इस अपलोड योर वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अभी दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही आपके सामने जो पॉपअप बॉक्स आ जाता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे अपनी जो ऑडियो फाइल है उसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मेरे पास 2 ऑडियो फाइल है, जिसमें से कि दोस्तों सबसे पहले वाली जो ऑडियो फाइल है वो यहाँ पे 70 MB की है, और दोस्तों जो सेकंड वाली फाइल है वो यहाँ पे कुछ 6 MB की है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले वाली फाइल को अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मुझसे ये बोल देगा कि इसे यहाँ पे 50 MB से कम की ऑडियो फाइल चाहिए। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर जो सेकंड वाली ऑडियो फाइल है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी ये जो ऑडियो फाइल अगर यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा सेंटर वाले बॉक्स को। और दोस्तों, जैसे ही आप सेंटर वाले बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप के जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो साउंड वेव है इसे आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड वेव दी हुई है इस वीड वेबसाइट पे, तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी जो साउंड वेव है वो यहाँ पर ये वाली लग रही है, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं इसे यहाँ पर प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये जो आर्टवर्क है आप अपना इसे चेंज कर सकते हैं, इसको दोस्तों आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं अपनी किसी भी इमेज से। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी जो इमेज है उसे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है एकदम पॉडकास्ट जैसी लग रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं एक हेडलाइन यहाँ पे डाल देता हूँ और उसका जो नेम है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ पॉडकास्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका जो नेम है वो तो यहाँ पे सेट कर दिया है पॉडकास्ट। इसका जो फॉन्ट है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसका जो कलर है फॉन्ट का वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ व्हाइट। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर मैं 48 से यहाँ पे 60 कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। ओके, अभी मैं यहाँ पे इससे कुछ इस टाइप से प्लेस कर देता हूँ जिससे कि ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगने लगा है। अभी अगर दोस्तों आप इसे प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप और भी ज़्यादा इमेजेस वगैरह डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर इमेज वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा, अपलोड वाले ऑप्शन पर। उसके बाद आप यहाँ पर जो इमेज है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आपकी ये जो फाइल है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए एडिट होने के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे इसे प्ले करके देख लीजिएगा। और दोस्तों, प्ले करके देखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा एक्सपोर्ट वाले बटन पर, जिससे कि दोस्तों ये जो फाइल है वो आपके PC में फिर से सेव हो जाएगी। और दोस्तों, सेव होने के बाद आप इस फाइल को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑप्शंस वगैरह हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का 720p को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा एक्सपोर्ट वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले सकता है, बट दोस्तों उसके बाद यहाँ पे इसकी जो एक्सपोर्टिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा प्रिपेयर होने में टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद दोस्तों ये जो है आपके PC में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड MP4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड वाले मेथड के बारे में, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप अपनी ऑडियो फाइल्स को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और दोस्तों, इस मेथड को यूज करने पे आप दोस्तों 4-4 घंटे की जो ऑडियो फाइल्स हैं उन्हें भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। पर दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर आपको एक वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों आपके पास Adobe प्रीमियर प्रो है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है तो दोस्तों आपके डिवाइस के हिसाब से आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो आप काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आप एक पीसी यूजर हैं तो आप Adobe प्रीमियर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप फिल्मोरा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक मैक यूजर हैं तो आप फाइनल कट प्रो को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों मैं Adobe प्रीमियर प्रो को यूज कर रहा हूँ अपनी ऑडियो फाइल को यहाँ पे एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ऑडियो फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑडियो फाइल है और यहाँ पर कुछ वीडियो फाइल भी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ऑडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोस्तों एक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपके सामने जो ऑडियो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे इसे प्ले भी कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह नहीं आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर आपको इसके ऊपर जो इमेज है वो यहाँ पे डाल देनी होगी, जिससे कि ये जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। और अगर दोस्तों आप इसे बड़ा करना चाहें तो आप इसे यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो के अंदर यानी कि दोस्तों अपनी ऑडियो फाइल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से डाल देता हूँ पॉडकास्ट। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑडियो फाइल है वो पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे फाइल पर जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद मुझे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना होगा, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब का कोई भी रेजोल्यूशन 180p को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा कहाँ पे ये जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं एंटायर सिक्वेंस पर क्लिक करके यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। फाइल एक्सपोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों आप youtube.com पर जाकर अपनी इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और दोस्तों आपकी जो ऑडियो फाइल है वो वहाँ पे जाके अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ऑडियो फाइल को या फिर दोस्तों आप अपनी MP3 फाइल को YouTube पे अपलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर दोस्तों आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है अपनी ऑडियो फाइल को YouTube पे अपलोड करने में तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।